सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है सीमा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जो हर वेली मुंशियारी के इस खूबसूरत से क्षेत्र से। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, फिर से आपके सामने नई ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है और नई ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से। तो दोस्तों, अभी शाम के 6 बज चुके हैं और दोस्तों, आज की मौसम की बात किया जाए तो आज का मौसम भी अच्छा था। जैसे कल हुआ था वैसा ही आज का मौसम भी हुआ था। हल्की हल्की बारिश तो हुई थी, बट उतनी बारिश नहीं हुई थी जितनी इससे पहले हो रही थी। मौसम ठीक है आज का। और दोस्तों, शाम के 6 बज रहे और मम्मी अभी कपड़े सुखा रही है। मम्मी ने दिन में कपड़े धो दिए थे बट मम्मी को टाइम ही नहीं मिला कपड़े सुखाने का और मैं भी बिजी थी तो मैंने भी कपड़े नहीं सुखाए। तो अभी मम्मी शाम के 6 बजे कपड़े डाल रही है धूप में। बट आप देख सकते हैं मौसम बादल वाला हो रहा है, धूप तो आ ही नहीं रही है, बट मम्मी फिर भी डाल लिया, पता नहीं क्यों डाल लिया। और अभी तो हल्की हल्की बारिश भी आने लग चुकी है, रिमझिम रिमझिम वाली। चुके हैं और माही का ट्यूशन भी छूट चुका है, तो माही अभी आ चुकी है ट्यूशन से। तो कैसा रहा आज का ट्यूशन? कितना अच्छा सवाल किया तूने, कितने सवाल बताए? 2 सवाल बताए मैंने, मान ही लू मैं 2 सवाल तूने बताए होंगे। मैंने बताया जो उस दिन उसमें आया था। किसमें आया था? उसमें किसमें? हमारे ग्रुप में, मैथमेटिक्स में। ओहो, जो क्वेश्चन भी था उसमें लिखा था मैंने उसका आंसर, तो उसका आंसर बताया मैंने। अच्छा चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है बेटा, ऐसे आगे बढ़, शाबाश। तो गाइस, माही आ चुकी है और मेरे को माही को भेजना है मार्केट, क्योंकि राखी भी आने वाली है और राखी के अभी कम ही दिन बच चुके हैं। मेरे को हल्द्वानी राखी भेजना था, मैंने अभी तक भेजा नहीं है क्योंकि बीच में रुको ना, एक बार मुझे बोलने तो दो, ब्लॉगिंग करने तो दो, क्योंकि बीच में रोड खराब हो गया था बारिश के वजह से, पूरा रोड धस गया था। तो गाड़ी यहीं थी, गाड़ी नीचे के रास्ते जा रही थी तो भैया नहीं गए थे, शायद क्या पता आज रोड खुल जाएगी तो आज कल ऊपर के रास्ते से जाएगी गाड़ी हमारी। तो कल भैया जाने वाले हैं तो मैं सोच रही हूँ राखी खरीद के पैक वगैरह करके भेज दूँ, तो माही को अभी भेजेंगे हम मार्केट। तो मम्मी आप भी जा रही हो क्या? तो मम्मी और माही जाने वाले हैं, तो आप ले, आप लोग काम वाम करके आ जाओ ठीक है, राखी वाखी का, और मैं पैक कर लूंगी, आप लेके आओ ठीक है। तो मम्मी लोग जा रहे हैं मार्केट और राखी लेके आएंगे। गाइस, मम्मी आ चुकी है मार्केट से राखी लेके, तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी कैसी राखी लेके आई है। तो दगड़ियों, मम्मी आ गई है राखी लेके, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब दिखाते हैं आपको राखी, मम्मी कैसी राखी लेके आई है मेरे भाइयों के लिए और मम्मी अपने खुद के भाई के लिए, मम्मी कैसी राखी लेके आई है तो दिखाते हैं ठीक है। तो मैंने तो अपनी राखी निकाल दी है, मम्मी ने जो अपने भाई के लिए राखी लाई है वो भी इसी में है, इस पन्नी में, तो उसको भी निकालते हैं। तो ये रही दोस्तों, मम्मी कुछ ऐसी राखी लेके आई है, सेम राखी लेके आई है मम्मी अपने भाई के लिए भी और मेरे भाई के लिए भी। तो ये तीनों एक ही जैसे राखी मम्मी लेके आई है मार्केट से। अभी हम इसको पैक करेंगे, फिर कल सुबह भैया की गाड़ी से जाएगा ये हल्द्वानी। 5 दिन बचे हैं राखी के और मैं इतने लेट में राखी भेज रही हूँ, बट कोई नहीं, पहुँच तो जाएगा, बस रोड अच्छा होना चाहिए। अभी यहाँ हल्द्वानी तो पास में ही है, सुबह भेजेंगे तो शाम तक तो पहुँच ही जाता है, बट रोड का होता है ना, मौसम के वजह से थोड़ा लेट लग रहा है मुझे, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है और जब गाड़ी नहीं जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाती है। अभी शाम के 7 बज चुके हैं और बाहर पे अंधेरा भी हो चुका है। और दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मोमोज, जिसकी तैयारी चल ही रही है। तो दोस्तों, माही गूंथ रही है आटा और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मोमोज के लिए जो मसाले भरे जाते हैं मोमोज के लिए, तो वो मसाला मैं रेडी कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने रेडी कर लिया है जो मोमोज के अंदर भरे जाते हैं कीमा, वो मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। और यहाँ पे सामने माही आटा गूंथ रही है मोमोज के लिए, और यहाँ पे यस्सु आज बहुत ही खुश है क्योंकि यस्सु का बेस्ट बन रहा है मोमो। कैसा लग रहा है यस्सु? अच्छा। यहाँ देख के बोलो, कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है? कितने मोमो खाएगा? 7 मोमो। 7 ही खाएगा बस? ना, 100। 100 मोमो खाएगा? तू तो बोला था 100 मोमो खा के मैं मोटा हो जाऊंगा। तुझे मोटे लोग पसंद है या पतले लोग? पतले। पतले लोग? मैं पसंद नहीं हूँ फिर, मैं भी तो मोटी हूँ। ये मोटी है। हाँ, ये पतली है, ये पतली है, मैं
लंबी पतली और सब पतली। मैं तो हाँ। अच्छा गाइस, आज मेरी इतनी तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ मोमो, वरना ये मुझे मोटी ही बोलेगा क्योंकि उसको पता है कि मैं मोटी हूँ। तो आज देखो इसको इतना लार भी आ रहा है मेरे ऊपर क्योंकि आज मोमो बन रहे हैं घर पे और मोमो इसका फेवरेट है, तो इसलिए ये मुझे प्यार कर रही। तो ये मुझे क्या बोलता बताओ मैं आपको, सीमा ड्वेल है, बोल तो बोल, आज बोल, अभी बोल, मैं बोल बोल रही हूँ, क्या बोलता है मुझे, तू मुझे क्या बोलता है? ये देखो ये मुझे ना पता नहीं जब भी मैं इसको मारती हूँ कुछ डांटती हूँ तो सीधे सीधे सीमा डोल है, सीमा डोल है और डोलिता ये है। तो दोस्तों डोलिना का, तो दोस्तों जो मेरे गला दर्द हो रहा है, तो दोस्तों डोलिना का जो अर्थ है वो होता है जो मुझे बताने तो दे, डोलिना शब्द होता है वो पहाड़ियों को तो पता होगा डोलिना शब्द क्या होता है, बट जिनको नहीं पता है मैं बताती हूँ। डोलिना का अर्थ होता है जो बहुत ज्यादा घूमता रहता है, जो घर में नहीं बैठता है, सुबह शाम इधर उधर जाते रहता है, तो उसको हमारी पहाड़ी भाषा में डोला बोलते हैं। तो ये मुझे सीमा डोला बोलता है जबकि मैं कहीं जाती नहीं हूँ, कभी शाम के टाइम घूमने जाती हूँ, इतना मत हिलाना पुत्तड़, कि मैं कहीं जाती नहीं हूँ, शाम के टाइम थोड़ा घूमने जाती हूँ, और ये तो 2400 घंटे घूमते रहता है, मैं जो नहीं बोलती उसको ये उल्टा मुझे बोलता है। तो अभी हम किचन से सारा सामान लेके इधर पे आ चुके हैं, इधर पे ही हम बैठ के आराम से मोमोज बनाएंगे। तो ये रही हमारी कीमा की प्लेट और ये रहा हमारा आटा जिसे हमने ढक दिया है, और इसे ढके हुए लगभग आधा घंटा होने वाला है, और ये रहा हमारा बेलन। तो अब हम बनाएंगे मोमोज। तो रगड़ियों हमारे मोमोज बनके रेडी हो चुके हैं, मतलब हमने उनको बना दिया है, अब इसको स्टीम करना है। और अभी मैं किचन पे आ चुकी हूँ और पानी हमारा गर्म हो रहा है, लेकिन हमारे वहाँ मोमो बनाने वाला बर्तन नहीं है, तो हम जुगाड़ करके मोमो बना रहे हैं, और किस तरीके से बना रहे हो आपको मैं दिखाऊंगी। और दोस्तों आपको मोमोज बनाने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, हम इतने एक्सपर्ट तो है नहीं कि हमसे अच्छी तरीके से बन जाए, बट जैसे जैसे हमने खाने लायक बना लिए हैं तो हमारे मोमोज बन चुके हैं, बस उसको स्टीम करने हैं, तो स्टीम के लिए पानी गर्म हो रहा है। तो दगड़ियों ये रहे हमारे मोमो, और मोमो के सेप कोई अच्छे बने कोई नहीं बने तो इसको माइंड ना करिएगा, तो कुछ इतने बने हमसे मोमोज, बस ज़्यादा हम नहीं बना पाए। रहा हमारा भगोना जिसमें हमने पानी रख दिया है, और इसके ऊपर से रखेंगे हम ये, तो ये हमारा पहाड़ी जुगाड़ है, हम इस तरीके से मोमोज बनाएंगे। तो दगड़ियों मैंने यहाँ पे मोमो डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं ये बन रहा है, फिलहाल इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, और अभी हम करते हैं यहाँ पे चटनी की तैयारी। तो ये हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब इसको हम सर्व करेंगे। पहला मोमो हम भाई के लिए रेडी करेंगे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये रहे हमारे मोमोज, ये हम देंगे अपने भैया को और बताएंगे वो टेस्ट करके कैसा बना है। तो लो भाई आपके लिए, तो मैंने ध्रुव के लिए ला दिया, आप ध्रुव टेस्ट करके बताएंगे कैसे बन रहे मोमोज। अरे बता भी, माई के मुंह में पानी आ रहा है, बता कैसा हो रहा है। चल खा ले अभी, माही से पूछूंगी, माही थे अब तक तू थूक निकल ले। सब लोगों को खिलाने के बाद अभी बारी आती है मेरी, और अब मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे मोमोज बनाए हैं। तो चलो अपने लिए भी डालते हैं प्लेट पे। वाव दोस्तों इतना अच्छा इसका फ्लेवर आ रहा है ना, मुंह पे ऐसा घुल रहा है ना, इतने अच्छे बनाए मैं क्या ही बताऊं आपको। मोमोज वगैरह खाने के बाद जो मैं राखी लेके आई थी मैंने उसकी भी पैकिंग कर ली है, उसको लिफाफा में डाल के इस वाले पन्नी में डाल दिया है, और अभी मैं इसको दूंगी भाई को, और फिर कल भाई दे देगा हल्द्वानी। तो खाने की तैयारी भी हो चुकी है, लगभग 10 बज चुके हैं, तो मैं फटाफट से खाना खाती हूँ। खाना वगैरह खा के मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ, और आज का ब्लॉग काफी छोटा सा बना है, उम्मीद करती हूँ आपको आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आए। और दोस्तों इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आए, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं सीमा आप लोगों से विदा लेती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।